बुकड़ू बैठ गई। पहले बैठा जा करता के हां कौन बैठे जंदा कौन बैठा जंदा हां अच्छा और चल देने दे तो आ करता मैं कौन जी लिखड़ा हो अच्छा। कमर से नीचे बिल्कुल सुन्नी थी भैया बिल्कुल न्यू कौन बेरा था पैर सेंक नहीं है और आज ये चलने लगी भाई बहुत खुशी की बात है। हमने जो बच्चों के चेहरे के ऊपर फुंसियां हो जाती हैं कील मुहासे हो जाते हैं उनके लिए बहुत ही बढ़िया और सस्ती दवाई निकाली है। सिर्फ मात्र 200 रुपये में 50 ग्राम है आप और 10 मार्च से 22 मार्च तक हमारी छुट्टियां रहेंगी। तो जो व्यक्ति एक महीने की दवाई ले जाना चाहते हैं तो 9 मार्च तक अपनी दवाई ले जाएं। लोक प्रसार चैनल देखने वाले सारे भाण भाइयों मंगत राय लांबा की राम राम नमस्ते जैन भाण और भाइयों। फिलहाल खड़े मिसार श्री श्याम एक्यूप्रेशर वैद्य सुनील गोज जी के पास और बहुत से मरीज आए हुए हैं जिनसे भी आपकी सारे की बात कराऊंगा कि यहाँ पर लकवा सर्वाइकल जोड़ों का दर्द गठिया बाव शुगर शुगर के स्पेशलिस्ट हैं भाई। 3 दिन में शुगर कितनी हो बिल्कुल पहली खुराक से ही नॉर्मल हो जाती है। और हमारे पास एक बहन जी बैठी है इनके गुड़िया की तकलीफ सी कमर से नीचे ये बिल्कुल मतलब हिलडुल नहीं रही थी तो पूछेंगे कि क्या तकलीफ है। नमस्कार जी। नमस्कार जी। क्या नाम गुड़िया का? पायल। पायल अच्छा ये कितनी तकलीफ थी इनको कैसी थी बताओगे आप मेरे दर्शकों को? हाँ जी जरूर। इसको बहुत ज़्यादा दिक्कत थी डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था रीढ़ की हड्डी की बैक साइड अच्छा। गांठ आई थी कोई अच्छा। तो हम सारे कहीं दवाई ले ली थी इसकी आराम नहीं आया था अब यहाँ पे इसको आराम है काफ़ी घोड़ी लेके चलती है अच्छा। हाँ। तो यानी कमर से नीचे बिल्कुल नहीं दिलते थे। हाँ जी सुन्न थी बिल्कुल ही बिल्कुल सुन्नी थी कमर से नीचे अब आराम है। आराम है कितना आराम है? आप हाथ पैर हिलते हैं बेटा पैर हिलाओ देखाना एक बार नीचे करके पैर दिखाओ पैर हिलते हैं देखो वो पैर उठते हैं बिल्कुल आराम से खड़े भी हो जाते हैं क्या? हाँ घोड़ी लेके खड़ी हो जाती है अब। अच्छा देखो बेटा मेरा सारा लेके खड़े हो एक बार आपकी मम्मी का सारा ये एक बार खड़े हो बेटा एक बार देखो ये देखिए भाई ये देखिए बिना सहारे भी ये ऐसे खड़े होगी बिल्कुल नहीं खड़े आ जाया करता बिल्कुल पैर कमर से नीचे बिल्कुल सुन्नी थी पीछे होके बना थोड़ा तो ये देखिए ये चमत्कारिक रूप से ये कितना डॉक्टरों ने ऑपरेशन बोल दिया था रीढ़ की हड्डी का कि ऑपरेशन होगा ऑपरेशन से कितने मैं दिखा सकता हूँ ऐसे केस जिनके ऑपरेशन हुए हैं और आज तक वो बिस्तर पर उठ नहीं पाए ऑपरेशन के बाद भी लेकिन यहाँ भगवान की दासी इस छोटी सी नन्ही बच्ची को आज पूर्ण रूप से स्वस्थ होने जा रही है ये बिल्कुल स्वस्थ हो जाएगी एक दो बार आने से अभी चल पड़ती है बेटा चल पड़ती है देखिए भाई चलने में लगी कदम रख बेटा आपको सारा देना थोड़ा ये देखिए भाई ये, तो ये चमत्कारिक रूप से भाई देखो सुनील गोयत का इलाज हम न्यू सुनील गोयत ने वो सारी बात से बोला रहता न्यू रोवा हम तो सुनील गोयत को हम इसलिए मैं यहाँ पर महीने में 15 दिन में इसलिए आ जाता हूँ कि यह चमत्कारिक रूप से इलाज करता है भाई ऐसी लकवे की सर्वाइकल की नसों की कोई दबी हुई है तो मतलब बहुत सी ऐसी लोग मेरे पास फोन आते हैं कि कमर से नीचे भाई उठ नहीं पाते और देखिए ये चमत्कारिक रूप से बिल्कुल होम्योपैथी दवाई देते हैं और एक्यूप्रेशर से करते हैं एक्यूप्रेशर से इस गुड़िया को देखिए गोद में उठा के लाया करते तो दूसरी तीसरी बार आए होंगे कितनी बार आए आप? आज पांचवी बार आए पांचवी बार आए हैं पहली बार आए थे गोद में उठा के बिल्कुल यानी हिल भी डुल भी नहीं रहे थे पैर आपको दिखा सकता मैं वीडियो मैंने डाली नहीं थी पहले इनकी लेकिन मेरे पास सुरक्षित है वो वीडियो क्यों मैं देखना चाहता था कि इस गुड़िया के कितना फ़र्क पड़ता है और हम सच दिखाते हैं भाई झूठ हम दिखाते नहीं ये तो पांकड़ा उठे था खड़े करे आ जाता ले भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आ रहा है भाई इस गुड़िया का तो कमर से नीचे बिल्कुल सुन्नी थी भैया बिल्कुल न्यू कौन बेरा था पैर सेंक नहीं है और आज ये चलने लगी भाई बहुत खुशी की बात। सवा मणि को नहीं ढाई मणि लुवा देंगे तुम ठीक हो जा तू एक जुम्मा रेडी कर दे बैठ है ले भाई जब दाव बैठने लगी हाँ तोड़ी तोड़ी चाल दौड़ लगा देती है ले भाई जहाज बन गई है वो नहीं पड़ा पड़ा के बाजा ये ले भाई न्यू कोई कमर में दर्द सर न्यू सर हाँ जी भैया जी ठीक हो गया हाँ। अच्छा दर्द कहाँ कहाँ था? पेट में दर्द था घुटने में दर्द था अच्छा घुटने में था अब ठीक है बिल्कुल ठीक है पहली बार आई हो क्या? हाँ पहली से
हिसार सस्सी कॉलोनी। देख लो भाई, बिल्कुल रेडी होगी बहन जी। कहाँ से आई है? बिरानी थे। बिरानी थे? अच्छा, क्या तकलीफ है? गोड़ा दुख है। गोड़े कितने दिनों दुख है? दुख तो महीना जोर का हो गया एक। अरे पहली बार आई है कि बैठ दो रे? पहली बार आई। कितना ये चाल की दिखाई, कितना आराम हो गया तेरे? ध्यान देखा अच्छा, उकड़ू कौन बैठा जाया करता? ये ले भाई, चाल दिया गोडे दुखिया कर दे। और पैर भी छोटा हो रहा है, बल्कि आंगली भी बंगी हो रही है देख। अच्छा कितना आराम लग गया? नीचे उकड़ू बैठ जा, आराम तो बैठ जा। ले बैठा भी कौन जाया करता भाई, जमा है नीचे ये बुकड़ू बैठ गई। हाँ पहले बैठा जाया करता के? हाँ, कौन बैठा जंदा? कौन बैठा जंदा? हाँ। अच्छा और चल दिया इधर तो आया करता? मैं कौन जी लिखड़ा हो? अच्छा ये भाई चल दिया कौन जंदा किधर दे? ये थोड़ा हो है। अच्छा थोड़ा बहुत तो ले होगा, ये पहली बार आई है। ये देख लो भाई, बिल्कुल जाम हो रही थी गोड्या थे और पहली बार आई सुनील गोयत के पास, वैद्य के पास, और इतना आराम हो गया है। हाथ से देख रहा हूँ, सीधे कर लो शरीर को, सीधा कर लो। पहले बिल्कुल खड़ा नहीं हो जा करता इनसे, बिल्कुल भी अपने पैरों के ऊपर, और बिल्कुल मुड़े हुए थे भाई ये देख, पहले जो देख सकते हैं आप, और अब अपने आप चल रहे हैं बिना सहारे के। कितना आराम लगता है जी इनको? है आराम तो भाई। हाँ जी, ऐसे चलते थे क्या पहले? पकड़ के चलाते थे, चलते थे तो अपने आप याद कर लिया जैसे, तो डरते थे अभी। अच्छा। गे। हाँ। अभी तो चलते हैं सही। हाँ, कुछ लेके चलते थे। हाँ, अपने आप थोड़ा चल रहे। कितनी बार आ चुके हैं आप यहाँ? तीन बार आ गए, तीसरी बार है आज। हाँ, कितनी साल से थी इनकी समस्या? समस्या तो काफी दिन से हो गई, दो तीन साल से तो ज्यादा ही, वैसे पाँच छह साल हो गए। पाँच छह साल से समस्या थी। हाँ जी, कितना आराम लग रहा है आपको? है थोड़ा आराम है, चलने लग गया अब तो। हाँ बहुत बढ़िया। हाथ हाथ पे हाथ ठीक है? हाथ ऊपर उठा के देखो एक बार। 15 दिन की छुट्टी है इसलिए एक बार दवाई दे दें। ये रहा, उठा लो और उठाओ ऊपर, शाबाश। ये देखो भाई हाथ भी बिल्कुल सही उठने लग गए हैं, मुठिया बंद हो जाती है, मुठ्ठी बंद करो बिल्कुल। हाँ ये देखो बिल्कुल, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो 50% के लगभग आराम है इनको, है ना? आधा आराम है, आधा तो है। चलो तो भाई, फिलहाल बैठे हमारे पास वैद्य सुनील गोयत जी, तजुर्बेकार और बहुत पुराने एक्यूप्रेशर के जानकार, और एक जो मुख्य इनकी चीज़ है आजकल पूरी दुनिया में छाई हुई है कि शुगर की दवाई पहली खुराक में ही नॉर्मल। तो पूछेंगे हम किस प्रकार क्या क्या करते हैं। तो नमस्कार जी, राम राम। हाँ जी, राम राम जी, जय श्री श्याम जी। दर्शका ने भी मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई कि आप लोगों के लिए शुगर की हमने बेस्ट दवाई बनाई है जी, और आप सदा स्वस्थ रहें। जितना जो भी हम एक सुझाव देना चाहते हैं हर व्यक्ति को, जितना समय मिले उतना खुश रहने की कोशिश करें। सबसे बड़ी यही उपलब्धि आप लोगों को मिले कि आप खुश रहें, तो लगभग बहुत सी बीमारियाँ तो उसी में रह जाएंगी। ठीक जी। हाँ। तो शुगर की जो दवाई बनाई आपने, कहते हैं कि पहली खुराक से ही नॉर्मल होनी शुरू हो जाती है, नॉर्मल हो जाती है, तो इस दवाई को मतलब क्या आप डाक द्वारा भी भेजते हैं? हाँ बिल्कुल, कुरियर के द्वारा भेजते हैं हम दवाई को। कितने दिन की दवाई के कितने पैसे लगते हैं? हमने हर व्यक्ति के दवाई के लिए हम उसमें पहले स्क्रीनशॉट भेजते हैं उसके पास में, उसमें लिखा है 10 दिन 15 दिन 20 दिन महीने, सब उसके अंदर लिखा हुआ है। बाकी चलने का होता है आदमी की खुराक के ऊपर, वो कितनी खुराक किस टाइम पर कैसे लेता है कि पोर्ट फॉर्म है। अच्छा। अगर कोई गोली है तो उसका ये पता चल जाए भाई 30 गोली हैं 60 गोली हैं, रोज एक देनी है, तो उसमें कम ज़्यादा हो सकता है, 2-4 दिन ऊपर नीचे हो सकते हैं जी। ठीक है, 300 रुपये से लेकिन 5,000 रुपये तक की दवाई है, जितनी इच्छा हो उतनी पहले टाइम में ले सकते हो, मंगा सकते हो जी। तो भाई जैसे 5 दिन की दवाई है,
छः खुराक हैं या आठ खुराक हैं जो भी, वो 300 रुपये की है, 5 दिन की होगी शायद। हाँ जी, अगर डाक के द्वारा मिला मंगाएंगे तो हर दवाई के ऑर्डर के ऊपर 200 रुपये अलग से लगते हैं जी। तो दूसरी बात है कि आप ये और बताएं कि लकवा, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, ये किन किन चीज़ों की बीमारियों का इलाज आप कहाँ कहाँ करते हैं? देखिए, हर शुक्रवार को इंशार 9 से 4, हर शनिवार को मेरे गांव कुंगड़ में 9 से 4, हर संडे को एतवार के दिन रोहतक 9 से 4, दिल्ली मंगलवार को नांगलोई 9 से 4, रोहिणी सेक्टर 21 दिल्ली में 10 बजे से 12:30 बजे तक, और एक वीरवार छोड़ के एक वीरवार को जींद के अंदर जाट धर्मशाला के अंदर हम इलाज करते हैं। सर्वाइकल, घुटनों का दर्द, कमर दर्द, लकवा, कितने पुराना हो चाहे 40 साल पुराना लकवा हो, हम अपनी तरफ से कोशिश करते हैं कि बस स्वस्थ हो गया जाएगा। और एक चीज़ और, हम अनाउंसमेंट हमेशा हम करते आए हैं, हमने जो बच्चों के चेहरे के ऊपर फुंसियाँ हो जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, उनके लिए बहुत ही बड़ी और सस्ती दवाई निकाली है, सिर्फ मात्र 200 रुपये में 50 ग्राम है, आप उसको लगाएं, 2 से 3 दिन में 5 दिन के अंदर पूर्ण आराम आ जाएगा। अगर उसको आप 1 हफ्ता लगातार लगाते हैं तो लगभग फुंसी निकलने की ना ही उम्मीद होती है कि दोबारा वो बीमारी नहीं आती, और नेचुरल है, आयुर्वेद है टोटल ये दवाई। तो बच्चे ही लगा सकते हैं क्या, बड़ों के हो जाती है फुंसी? हाँ, बड़े भी लगा सकते हैं, बच्चे भी लगा सकते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ दवाई। तो भैया है फेस वाश, आयुर्वेदिक फेस वाश बनाया है वैद्य सुनील गोयत ने, और या भाई से 1 महीने की दवाई चेहरे पे लगाना है, दूध या पानी में मिला के, और क्यों कहते मिला के लगा सकते हो आप, गुलाब जल में मिला के लगा सकते हो, एलोवेरा में भी मिला के लगा जी जी। तो ये है वायर, यह है 15 दिन की, इससे आदि तो न्यूके हैं, कोई फोड़ा फुंसी जाई या जो जवान बच्चा का निकले अगर हैं मुहासे, हाँ कील मुहासे, जो कील मुहासे जो भी हैं, तो चेहरा बिल्कुल साफ हो जाएगा? हाँ जी, बिल्कुल हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा, मुलायम हो जाएगा। और भाई इनकी कीमत कैसे है, इस छोटी डब्बी की कितनी, हर बड़ी की कितनी है? 200 रुपये, ठीक है, 50 से 60 ग्राम इसके अंदर आती है, और जो कुरियर के द्वारा मंगाएगा उसको 200 रुपये अतिरिक्त लगे, यानी 400 रुपये में पड़ेगी। अच्छा, और ये आपकी पड़ेगी 500 रुपये की महीने की, या महीने की 120 ग्राम है इसमें, इसमें 120 ग्राम है, इसमें 50 ग्राम से, तो भैया 500 रुपये ही पड़ेगी, और कोरियर के मंगाओगे तो 700 रुपये ही पड़ेगी। हाँ जी, है हाँ जी, 1 महीना चलेगी या तो 1 महीना चलाने की जरूरत है कौन है, कितने दिन में लगभग, मतलब कील मुहासे दूसरे तीसरे दिन ही आराम आ जाएगा, दूसरे तीसरे दिन पता चल जाएगा भाई। हाँ बिल्कुल, और 1 महीना लगातार लगाएगा दोबारा रखेगा तो दोबारा होने की संभावना बहुत कम है। अच्छा, हाँ तो ये इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं? नहीं नहीं, कुछ नहीं है, पहले पुराने जमाने में यही चलता था, ये तो ही बहाने लगे हैं, दूसरे आइटम तो नहीं थे नहीं। अच्छा, पूरी तो भाई बहुत बढ़िया चीज़ है, और फेस के लिए, दूसरी शुगर के लिए है सबसे टॉप की चीज़, और भाई बाकी का आपने बेरा है इनका, लकवा, सर्वाइकल, जोड़ों का दर्द, घुटनों का दर्द, नसों से संबंधित कोई बीमारी है, टेढ़ा मुँह है, दिमाग की नसें कोई ब्लॉक हैं, किसी भी प्रकार का हाथ पैर टेढ़े मेढ़े हैं, कब्ज हो, कितनी पुरानी कब्ज हो, बिल्कुल परमानेंट इलाज है उसका, परमानेंट कब्ज, चाहे कितनी पुरानी हो, गैस बनती हो, बाय बादी, बाय का गठिया भाव, कोई भी, तो इस तरह के इलाज के लिए भाई वैद्य सुनील गोयत, फ़ोन नंबर नीचे चल रहे हैं, व्हाट्सएप नंबर हैं, आप संपर्क कर सकते हैं। 6 दिन अलग अलग शहरों में बैठते हैं। शुक्र विशेष सूचना और हम देना चाहते हैं, 9 मार्च को हम दवाई देंगे और 10 मार्च से 22 मार्च तक हमारी छुट्टियां रहेंगी, तो जो व्यक्ति 1 महीने की दवाई ले जाना चाहते हैं तो 9 मार्च तक अपनी दवाई ले जाएं। हाँ जी, 9 मार्च से भाई बाबा श्याम जी की यात्रा जाती है, पैदल जाते हैं हमेशा हर साल, तो 9 मार्च से 22 मार्च तक छुट्टी रहेंगी, 9 मार्च तक दवाई, 10 मार्च से, तो 9 मार्च तक अपनी दवाई ले जाएं, 9 मार्च तक कहीं भी बैठते हैं देख लेना कौन सा वार पड़ेगा, तो वहाँ से आप अपनी दवाइयाँ ले सकते हैं, अब की बार जब भी आएँ 2 हफ्ते बाद तक, यानी कि 1 तारीख से और 9 तारीख तक इस सप्ताह में, जहाँ भी बैठे हैं आपको, जहाँ से भी लेनी तो 1 महीने की दवाई लें आप, क्योंकि 22 मार्च के बाद ही आपको मिल पाएंगे ये।
तो देखते रहें लोक प्रसार हरियाणा, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जय हिंद, नमस्कार। जय हिंद जी, वीडियो को शेयर करा करो भाई, और आदमियों का भी भला उसके। जय श्री कृष्ण।